वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ आपके डेस्कटॉप एक बार आपके साथ फिर से। और आज हम ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं ऑडियो वर्क स्टेशन पे। हमने इस पर 5 ट्यूटोरियल बनाए हैं रीपर ऑडियो वर्क स्टेशन पे। तो आज हम डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन का 6 ट्यूटोरियल रीपर का बना रहे हैं। तो बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। जो म्यूज़िक से संबंधित है, जो म्यूज़िक से प्रेम करते हैं या लाइक करते हैं, जो गाना गाने का शौक रखते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बताएंगे वो कैसे। आप मेरी पिछले वीडियो देखिएगा, रीपर्स की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं रीपर को। तो सबसे पहले रीपर को ओपन करेंगे। आज हम सीखेंगे किस तरह से अपनी वॉइस के साथ हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। आर आर व्हाट कांट बी सॉर्ट बाय रिफ्रेश डेट आर रीसेट आर रीपर 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 ओपन हो रहा है। कंसोलिडेटेड रीपर पर पहले से कुछ रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। 101 voice 2 1 item removed 1 voice arm 0 1 voice arm 0 1 track removed no tracks। कोई भी ट्रैक अभी नहीं है, नो ट्रैक आपको बोल के सुना रहा है। अभी हम यहां पर एक ट्रैक बनाएंगे जल्दी से। ट्रैक नेम, ट्रैक को बनाने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस टी। ट्रैक बनाते हैं वॉइस v o i c e painter। अब हम यहां पर इस ट्रैक को आर्म करेंगे। आर्म करने से फायदा ये होगा मित्रों की हमारा ट्रैक, जब हम खूब सारे ट्रैक पर रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर हम अनआर्म करते हैं तो सब ट्रैक पर वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो ओवरडब हो जाता है। तो हमें इसके लिए प्रत्येक ट्रैक को आर्म करना पड़ता है ताकि उसी ट्रैक में रिकॉर्डिंग हो। तो एफ सेवन प्रेस करेंगे। आर्म्ड। हेलो, आपको डबल डबल आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसको बंद करने के लिए नॉट वन प्लेइंग रिकॉर्ड मॉनिटर ऑफ एफ एट को 2 बार प्रेस करेंगे। और जब बोलेगा रिकॉर्डिंग मॉनिटर ऑफ, जो दृष्टि वन बंद हुआ है वो तो देख भी लेंगे, उसमें पता लग जाएगा रिकॉर्डिंग मॉनिटर ऑफ। तो रिकॉर्ड मॉनिटर ऑफ हो गया। अब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इस पर इफेक्ट लगाकर दिखाएंगे। तो मैं एक रिकॉर्डिंग कर लेता हूं जल्दी से। यहां पर आपको ये देखना है कि आपको बार और बीट से रिकॉर्ड करना है या टाइम सिलेक्शन से। तो हमने टाइम सिलेक्शन पे रिकॉर्ड करना है, तो ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे। मास्टर ट्रैक्स फॉर ऑल गो ज़ूम टाइम यूनिट फॉर रूलर सब मेन्यू टाइम यूनिट फॉर रूलर सब मेन्यू मिनट्स सेकंड्स चेक्ड है। मिनट सेकंड चेक्ड है हमारा। चलिए छोड़िए, हमारा काम ये। अब हम रिकॉर्ड करेंगे जल्दी से कुछ भी गाकर और फिर उस पर इफेक्ट लगाएंगे। शुरू करते हैं। मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ फिर आपको सुनाता हूँ। एक बार हम इसको पॉज करते हैं। तो मित्रों, हमने रिकॉर्ड कर लिया, आपको रिकॉर्ड सुनाते हैं। मैं इतना अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कीजिएगा। प्ले। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या करूं दम निकलता नहीं है। प्ले स्टॉप। आपने रिकॉर्डिंग सुनी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा एक बार टैब दबाएंगे, क्योंकि जो खाली जगह रह गया, गैप रह गया है, उसको गैप को हम हटाएंगे यहाँ से। तो पहले एक बार टैब दबाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, एक बार टैप दबाने से हमारा काम हो गया। सिलेक्शन एंड करेंगे। सिलेक्शन एंड के लिए शॉर्ट कमांड है राइट ब्रैकेट सेट सिलेक्शन एंड। अब हम डिलीट कीजिए, कंटेंट को डिलीट कर देंगे। कंटेंट्स ऑफ टाइम सिलेक्शन रिमूव्ड। हमारा टाइम सिलेक्शन का कंटेंट जितना खाली था वो डिलीट हो गया है। अब हम W दबाते हैं। 0.0 W दबाने से शुरू पर आ गया ट्रैक। ट्रैक की पोजीशन सुनेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। 0 minutes 0.00 0.0 minutes 00 seconds। अब हम स्पेस दबाते हैं।
आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। स्टॉप। ठीक है, अब हम इसमें एफएक्स लगाएंगे। तो एफएक्स लगाने के लिए हमें एफ का बटन प्रयोग करना पड़ेगा, एफ दबाना पड़ेगा, अल्फाबेट एफ, एफ फॉर फिश। एफएक्स टू। अब यहाँ पर हमें इफेक्ट रिवर्ब लगाना है, तो वी ई आर लिखेंगे। वी ई आर लिस्ट वन लिस्ट वी एस टी रिवर्ब कॉकस। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं मित्रों कि ये जो वी एस टी जो है, वी ई आर हमने लिखा है वी फॉर विक्टर, ई फॉर एवरी और आर फॉर रिवर्ब, ओके, या आर फॉर रेल, ओके। तो हम इनमें से कोई भी वीएसटी रिवर्बट कॉकस रिवर्बट कॉकस कोई भी लगा लेते हैं, यही लगा लेते हैं। चलिए एंटर करते हैं। एफएक्स ट्रैक वन वॉइस डॉट। अब यहां पर आप इसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं यहीं पे ही, अगर आप बाद में करना चाहें तो बाद में भी करें, तो पहले कर लेते हैं हम। एडिट मल्टी बटन 0.20 बटन पैरम बटन 2 इन 2 आउट बटन UI button। चलिए हम इसको बाद में करेंगे, स्किप करते हैं। Consolidated सुनकर देखते हैं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। Stop। मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है P दबाएंगे यहाँ पर, P बटन पैरामीटर के लिए। तो One voice armed one item FX parameters dialog। FX parameter आ गया, P, P for parrot, P अल्फाबेट दबाने से। अब यहाँ पर Dry पहला है वेट, वेट को कितना रखेंगे आप, वैल्यू स्लाइडर -3.0 -2.5 डी। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं छेड़ें, थोड़ा आपके हिसाब से सेट करेंगे। कॉम्प ड्राई 2, ड्राई 2 इसको छोड़ दीजिए। रूम एस जी, रूम एस जी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 92 91 इतना काफी है। एडिट सिलेक्टेड 0 और क्लोज बटन पैरामीटर डैम्प 4, डैम्प को थोड़ा value 50 edit fill close button parameter width 5, width को value 0.991, इसको ठीक है 0, चलिए थोड़ा edit filter close button parameter delay 6, delay को थोड़ा सा value 1 2 3 4 5 6 8 9 10 14, इतना काफी है। edit fill close parameter low pass, low pass 7, value इसको ऐसा ही रहने दीजिए 19-20,000 हर्ट्ज़। इसको आप चाहे थोड़ा सा कम कर, कोई मतलब नहीं है आपके साथ। आप ये देखिए, ये अपने अनुभव की बात, आपको जो पसंद आता है वो करें। एडिट फिल्टर क्लोज बट पैरामीटर हिप्पस 8, हिप्पस को छोड़ दीजिए। बाईपास, बाईपास वेट 10, बस इतना ही एक बार करते हैं अपन। एडिट फिल्टर क्लोज बट कंसोलिडेट प्ले। Stop। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा क्या ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। FX parameters dial dry wet 1, wet dry wet value 0.3। ठीक है, edit fill close by parameter dry 2 room SZ dry wet dry value -0.0. ठीक है, इसके बाद edit fill close parameter combo box dry 2 collapsed room SZ 3, room SZ 3 90 90 94 99 89 88, ठीक है। edit fill close parameter combo box room SZ damp 4 value 31 14, ठीक है, 15 Stop। Okay, ठीक है, थोड़ा सा और कम करना चाहूँ तो मैं, एक सेकेंड। तो मैंने पैरामीटर सेट कर लिया, आप ठीक है वैसे। Stop। अब हम चाहते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऑटो ट्यून लगाएंगे इसमें। तो हम FX को फिर से प्रेस करेंगे। FX, track one voice dialogue wet, dry, room size, dampening, stereo with initial consolidated FX,
track 1 F. तो एक बार रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे. यहाँ पर edit multi-line button, zero button, parent bar 2 into UI bar, checkbox, property, wet slide, edit selected, minus 3 point, dry slide, edits, room, edits, damps, edit width, edits, delay, edits, low, edits, hippos, edits, add button, remove button. ये देखिए, add button. Add button पे क्लिक करते हैं. Alphabet. Stop. Add FX to track. Enter करेंगे. अब यहाँ पर auto tune लिखेंगे हम. तो एक बार. A U T O. Okay. List 1 list. VST auto tune access and Terry's VST auto tune EFX and Terry's 2 of 14 VST auto tune पहले वाला है. हमने इसमें एंटर कर दिया, स्पीक करें, स्किप करेंगे एक बार. कंसोलिडेटेड अब हम सुनकर देखते हैं. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी. स्टॉप. मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम एक बार पैरामीटर खोलेंगे इसका. पी दबाएंगे. कॉन्टेक्स्ट VST रिवर्ब VST ऑटो ट्यून FX पैरामीटर्स. ऑटो ट्यून खोलते हैं. रीड ह्यूमनाइज. ह्यूमनाइज की देखते हैं क्या है. वैल्यू DBD एब ई लगाते हैं. कंसोलिडेटेड सुनकर देखते हैं. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी. स्टॉप. गड़बड़ है. आप चाहें तो एक एक की सिलेक्ट भी कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट VST VST ऑटो ट्यून FX पैरामीटर रीड ह्यूमनाइज की 4 वैल्यू F F G. कंसोलिडेटेड चेक करते हैं. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. थोड़ा सा गड़बड़ है. स्टॉप. थोड़ा सा इसको सही करते हैं. थोड़ा सा गड़बड़ है, एक दो की एक्स्ट्रा लग रही है. हम कॉन्टेक्स्ट में VST रिवर्ब VST ऑटो ट्यून FX पैरामीटर रीट्यून स्पीड 2 मास्टर बाईपास What retune speed value edit selected 1 filter close button alt c filter blank black close button parameter human eye key 4 1 second ek phone aaya mitro to mitro maine set kar liya hai aapko suna dete hain recording sun lijiye play baithe hain baalin pe meri मौत का जोर चलता नहीं है. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है. क्या करूं दम निकलता नहीं है. स्टॉप. देखिए मित्रों, मेरी गायकी पे मत जाइएगा. मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आप अपने हिसाब से जो संगीत के ज़्यादा जानकार है वे ऑटोट्यून को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं. कि किसके अंदर एक फीचर है मैं आपको बताता हूँ. कॉन्टेक्स्ट VST FX पैरामीटर्स रीड ह्यूमन की स्केल ट्रैक सी 7 यहाँ पर की है. आपको जो की नहीं रखना है उसको डिलीट कर सकते हैं आप. सी 8 डी 9 डी 10 ये सब है. आप किसी पे भी चेक बॉक्स चेक जो भी की, जैसे मेरे को ये की हटाना है. स्लाइडर रिमूव्ड. इसको रिमूव्ड है, ये हमारे हमने रिमूव कर रखा है इसको. आपको इसे जैसे जो भी की को हटाना है या लगाना है आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो. Enabled. इस पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर करोगे, डाउन आप पैरो करोगे तो enabled हो जाएगी या disabled हो जाएगी. तो आपको जो भी की आपको लगता है मेरे गाने के हिसाब से वो की है, तो क्योंकि पियानो दूसरे कमरे में पड़ा है, मैंने चेक नहीं किया, इसलिए आपको एक बार बस ये रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छी सी ऑटो ट्यूनिंग, शानदार ऑटो ट्यूनिंग आप इसके साथ कर सकते हैं. दो इफेक्ट मैंने लगा रखे हैं, रिवर्ब और ऑटो ट्यून. आप चाहें तो इफेक्ट और भी लगा सकते हैं अगर आपको इस इफेक्ट को बंद करना हो. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमको Parameter combo box C D C C tracks key read master bypass master bypass one, value on off off है भी. इसको आप अगर आप on कर देंगे तो auto tune यहाँ से हट जाएगा, ये bypass हो जाएगा. अगर आपको जैसे इसको हटाते हैं अपन एक बार consolidated consolidated modified Reaper V6.2 context menu VST reverb but reverb है. आपको लगता है reverb ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा हटा दें तो क्या करेंगे. draw room down with delay low hippos bypass ये bypass है. bypassed normal
ये नॉर्मल है अभी इस पे, तो बाईपास में जैसे मैं क्लिक कर दूंगा एंटर कर दूंगा, अब देखते हैं आप देखिए है बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिन पे मेरे, ठीक है ना इस तरह से। अभी अब आपको लगता है नहीं यार थोड़ा सा रिवर्ब होना चाहिए, तो आप वापस से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू VST Auto-tune accept Auto-tune VST Reverb FX parameter dry room damp with delay low pipas bypass value slider bypassed normal consolidated play stop। तो आप इसको अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल रखना चाहें या बंद करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक सेकंड रुके आप play। ये देख लीजिए हमने बाईपास हटा दिया है बिल्कुल। अब हमको लगता है नहीं यार ऑटोट्यून मेरी आवाज़ तो ऐसी अच्छी, ऑटोट्यून का क्या करना है मुझे, तो आपको ऑटोट्यून हटाना हो तो आप इसमें वापस पी पर पी क्लिक करेंगे, हम पी दबाते हैं यहाँ पर सेट सिलेक्शन स्टार्ट, रुको 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 एक बार कॉन्टेक्स्ट मेन्यू VST ऑटोट्यून एक्सेस एंटेरियर VST ऑटोट्यून एक्सेस VST रिवर्ब कॉकस VST Auto tune FX Pro retunes human key scale tracking key remaster master bypass value on on कर देते हैं consolidated consolidated हमारा रिवर बंद हो जाएगा। play बैठे हैं बालिन पे मेरी, ठीक है ना, तो ये आप हमने auto tune बंद कर दिया। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता स्टॉप। तो बहुत ही अच्छी चीज, अगर आप चाहते हैं ना यार एक इफेक्ट्स में और लगाना चाहूँ तो आप कोई भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं, डिले लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, तो आप जो भी पसंद करना चाहें बस आप इस FX track 1 voice dialogue 0 या FX खुल गया है हमारा edit multi button combo button parent button UI check box add button add button पे क्लिक करेंगे stop एंटर करेंगे Add FX to track list 1 list VST auto tune access auto tune pro anterior auto tune pro bhi hai isme auto tune pro agar aap lagana chahe to enter kar dijiye bas FX track 1 voice dialog list 1 list consolidated consolidated modify ab hum check karte hain kis tarah ki aati hai recording play baithe hain balin pe meri maut ka zor chalta ये अच्छा लग रहा है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता, बहुत ही अच्छी आवाज, मेरी अच्छी आवाज नहीं है मतलब रिकॉर्डिंग अच्छी है, थोड़ा सा तेज करेंगे तो टेक माइनस 3.0 निकलता स्टॉप। तो इस तरह से माइनस प्ले स्टॉप। तो अब हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं, ये जो हमने ऑटोट्यून लगाया है नया, तो इस पी दबाएंगे एक बार for parrot context VST3 auto tune pro and FX parameter scale correction mode 1 yahan par pehla hai correction mode value graph mode auto mode auto mode hai graph mode hai aap kuch bhi kar sakte hain isme apne suvidha ke hisab se aur iske alawa isme ek option hai scale value minor chromatic hai minor rakh sakte hain major rakh sakte hain hum ek bar measure karke dekhte hain ki awaaz mein kuch parivartan aata hai kya enter kar dete hain sun kar dekhte hain बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं, मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी हाँ बिल्कुल मेरी जब आता तो इसकी बैंड बज जाती है। कॉन्टेक्स्ट VST FX parameter scale 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 को minor ही रखेंगे हम, थोड़ा सही चलेगा। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं, बिल्कुल सही है ये। आप बैठे यहाँ बदल गए पे मेरी, बिल्कुल ठीक है ये भी करेक्ट। जोर चलता नहीं है मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। परफेक्ट है ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऑटो ट्यून प्रो ऑटो ट्यून FX कोई भी कर सकते हैं,
मेरा ये प्रयास रहेगा मित्रों आपको इसका मैं लिंक शेयर करूं ताकि आप लोग इसे डाउनलोड कर सकें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप डाउनलोड करें और आप भी अपने इस ऑडियो जब कोई ट्यूटोरियल बनाए तो उस पर इस्तेमाल करें या अपने गानों पर इस्तेमाल करें, बहुत खुशी होगी मेरे को। तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा एक बार और देख लेते हैं क्या इसमें इफेक्ट है कुछ काम का। एक्सपेरिमेंट है मित्रों, एक्सपेरिमेंट खराब भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, सुन के देखते हैं। अब बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। अब बैठे हैं बालिन पे मेरी, बिल्कुल करेक्ट। मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। स्टॉप। तो अब आप ये हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे? आपको जैसे आप सोच रहे कि सेव करना है यार इसको, तो सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। वन ट्रैक सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम कंट्रोल Alt Control R दबाएंगे यहाँ पर। Alt Control R। Render to file dialog box render to. Touch Sputin. Touch Sputin. कोई भी नाम लिख दे जैसे My voice लिख देता हूँ मैं। M Y My Space V O I C E My voice। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है देखते हैं। Browse button। Browse Time bound grouping. Time bound. Tail. Presets button. Bounds. Source. Combo box master mix. Bounds. Combo box entire project. Entire last. Project. Source. Property page lame 399. Lame 3. Do not allow joint approximate combo. Combo box 128 kbps collapsed. Mode. Combo box constant bitrate. Constant bitrate. CBR. Aap isme. Target bitrate, target qual, tar constant bitrate. कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर, इसको छेड़े नहीं ज़्यादा। Combo box MP3. MP3 है। Flag. Flag. DD audio save. Wav. Wav करेंगे हम, Wav ज़्यादा बढ़िया रहती है। Wav का production अच्छा होता है। Apply button. Apply कर सकते हैं। Cancel button. Cancel कर सकते हैं। Render one file button. Render one file button. Enter करेंगे। Space. Rendering to file. Dialog C. User Sandeep Sharma. Documents Reaper Media. My voice with Wav. 24-bit PCM, 44,100 Hz, 2CH, 2000. अब हमने रेंडर कर लिया इसको। Show in Explorer. यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। Launch file button. Launch file button. इस पर आप स्पेस दबाएंगे। Space. Front. VLC. आवाज सुनिए, थोड़ा तेज करते। एकदम परफेक्ट। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है, लेकिन Space. तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज को देखना है कि कहां पर है तो आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपके जो कंप्यूटर की यूज़र डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जाएंगे और वहाँ पर आपको रीपर मीडिया करके मिलेगा, वहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी और इसका रॉ मटेरियल भी मिला गया जो हमने तैयार किया है। तो आप अपने हिसाब से इसको render to file consolidated कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा ट्यूटोरियल। अगर मुझे समझाने में मैंने कोई गलती करी हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, अगली बार उस कंसेप्ट को फिर से क्लियर करेंगे। मैंने आपको बाईपास करना सिखा दिया, ट्रैक एफएक्स ऐड करना सिखा दिया, तो आप इस तरह से एफएक्स को ऐड कर सकते हैं रीपर में। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप इसे परचेज करें तो बहुत सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। फिल स्टूडियो की तरह 5-6 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा, पेपैल से या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन बस बात यही है मित्रों कि आपके पास बेहतरीन साउंड कार्ड होना चाहिए ताकि आपको डिले का नहीं हो, नहीं तो क्या कंप्यूटर में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा वो भी आपको चलो साथ साथ बताए थे। हमको कंट्रोल प्लस पी दबाना है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस पी से प्रोजेक्ट सेटिंग मतलब कि इसका प्रेफरेंसेस खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, कंसोलिडेटेड
Reaper preferences dialog. देखिए Reaper preferences यहाँ पर devices है हमारा तो devices में find OK cancel dialog zero to property page zero to disable zero input device combo box microphone USB microphone USB है output device combo box speakers USB और इसका जो हमने कर रखा है speaker USB अगर आपका sound card नहीं है तो भी आप use कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और इनपुट चैनल्स एडिट सिलेक्टेड 2 इनपुट चैनल 2 यानी कि स्टीरियो आउटपुट चैनल्स एडिट सिलेक्टेड 2 आउटपुट चैनल भी स्टीरियो रहेंगे ब्लॉक साइज एडिट सिलेक्टेड 250 अब आप ब्लॉक साइज देखिए जो लेटेंसी होती है वो ब्लॉक साइज पर डिपेंड करती है डिफॉल्ट ये 512 होती है मैंने यहां पर 200 ये कर रखी है आप इसको अगर ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 064 कर लें तो फिर आपको लेटेंसी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा तो आशा आप इस बात को समझ गए होंगे यहाँ से आप मिडी डिवाइस सब कुछ सेट कर सकते हैं और आपको इससे पहले के ट्यूटोरियल देख लीजिए आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा अगर मैंने समझाने में कोई गलती कर दी हो कोई प्रॉब्लम होगी हो तो क्षमा प्रार्थी हो अगले ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे कोई नया रीपर का अगला भाग लेकर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद आपका समय और दिन दोनों शुभ रहे जय हिंद जय भारत इसी तरह तकनीक मित्रों के साथ जुड़े रहे कंसोलिड रीपर क्वेरी डॉट नो यस बटन ऑल्ट डेस्कटॉप लिस्ट रीपर x64 15 of 40